अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू पाकिस्तानी मॉम्स व्लॉग इन चाइना। तो क्या हाल चाल है आप सब लोगों का? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। और ये लंच का टाइम है और आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी का सालन। तो ये बस डन है, तो अब मैंने इस पे हरा धनिया डाल दिया था थोड़ा सा, और ये अब मैं गर्म मसाला डाल रही हूँ, और जस्ट 2 मिनट्स के लिए इसको मैं दम पे लगा दूंगी। और इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी। ये बहुत मज़ेदार बनती है, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और ये बहुत जल्दी बन जाती है। और आपको तो पता होगा कि मैं ज़्यादा स्पाइसी जो है खाना नहीं बनाती, बस मेरे नॉर्मली होते हैं जो बड़े भी खा सकते हैं और बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं। तो बस अब मैं रोटियां बना लेती हूँ 2 बंदों के लिए, तो आपको पता है कि 2 रोटियां इनफ होती हैं। तो बस अब मैं अपने लिए और हबी के लिए रोटी बना लूँगी, और आ जाएं आप लोग भी मिलके हम लंच इंजॉय करते हैं। तो यह कि मैं अपने घर में सिर्फ वेजिटेरियन हूँ, मीन के ससुराल में, वरना तो मेरे ससुराल में मीट वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा बनता है, और मैं जो बिल्कुल ही उसको लाइक नहीं करती। तो मेरी ज़्यादातर कोशिश होती है कि मैं वेजीज़ का ही यूज़ ज़्यादा करूं। तो बस अब ये डन है और अब हम इसको इंजॉय करेंगे। और इसके बाद जो है ये मैंने रमज़ान के लिए कुछ मंगवाई थी चीज़ें के ऑनलाइन, आपको तो मैंने पहले भी बताया कि यहाँ से कोई भी ऐसी पाकिस्तानी स्टोर नहीं है या इंडियन स्टोर नहीं है जहाँ से पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स मिल जाएं। तो ये कलवंजी मैंने मंगवाई है, तो इसलिए मैंने रमज़ान से पहले ही मंगवा ली ताकि अरे रमज़ान मेरा अच्छे से गुजर जाए। और ये एक ड्राई कोरिएंडर है, मीन के खुश्क धनिया साबत, इसको मैं खुद ही ग्राइंड कर लूँगी। 2 पैकेट्स मैंने इसके मंगवा लिए थे। और ये चने की दाल है, ये प्योर पाकिस्तानी है और काफ़ी अच्छी भी है, वरना मैंने पहले तो 1.5 साल हो गया मैं चाइनीज़ यूज़ कर रही थी, अब ये पाकिस्तानी मुझे मिल गई है तो मैंने कहा चले मैं ट्राई करती हूँ कैसी। और ये मिक्स दालों का 1 kg का पैकेट है, इससे मैं हलीम बनाऊँगी, तो मैंने 1 किलो इसको भी मंगवा लिया है। और बेसन भी काफ़ी फ्लेवर वाइज टेस्ट वाइज़ काफ़ी फ़र्क होता है, तो मैंने कहा चले 1 किलो मंगवा के देख लेती हूँ, अगर टेस्ट वाइज़ अच्छा हुआ तो मैं फिर और भी मंगवा लूँगी। और बाकी जो है ये ड्राई मसाले हैं, ये नेशनल का मैंने अचार गोश्त मसाला मंगवाया था, ये 2 पैकेट्स हैं। और ये मूंगी की दाल है, दाल मूंग है, धुली हुई मूंग की दाल है, ये मैंने 4 पैकेट मंगवाए थे क्योंकि ये हमारे घर में ज़्यादा बनती है, तो ये मैंने 2 मंगवा लिए थे। और माश की दाल जो है ये मैंने पहली दफ़ा मंगवाई है, वरना तो जब भी कोई पाकिस्तानी आता है या जाता है उससे बस मंगवा लेते हैं। तो अब मैंने कहा चलें अब मैं इसको ऑनलाइन मंगवा के देखती हूँ, जाहिर सी बात है अब बार बार पता है आपको फिर लाने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो बस फिर ये भी ये मूंग दाल ही है धुली हुई, ये भी 2 पैकेट्स, ये डिफरेंट जगह से मैंने मंगवाई है, 2 जो पहले दिखाई थी वो कहीं और से आई हैं और ये कहीं और से आई हैं। तो बस अब इसको मैं सेव कर लूँगी, जैसे मैंने जहाँ पे भी मुझे रखना हुआ इसको, तो 5-6 माह जो है मेरे इजीली गुजर जाएंगे। और ये जो है चावलों का पैकेट है, चावल भी जो है हम ऑनलाइन मंगवाते हैं, यहाँ पे चावल इवन के चावल भी नहीं मिलते, तो ये 5 किलो जो है मेरे मंथली यूज़ हो जाते हैं क्योंकि हम चावलों का यूज़ जो है ज़्यादा करते हैं। और ये मैंने नीमको का पैकेट मंगवाया था, नीमको तो मैंने पहली दफ़ा मंगवाई है, मैंने आज से पहले कभी नहीं मंगवाई, तो ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, मैंने कहा चले मैं ट्राई करके देखती हूँ, अगर अच्छी लगी तो फिर नेक्स्ट टाइम भी मंगवा लूँगी। तो ये मैंने मंगवाई थी। और ये नासपान मसाला, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, मुझे काफ़ी मैं इसको याद कर रही थी, मैंने कहा चलें अब मुझे नज़र आ गया तो मैंने कहा चलें मैं ये भी मंगवा के देख लेती हूँ। तो ये मंगवाया था, और कुछ बिस्किट्स हैं पाकिस्तानी गाला, और ये मंगवा लिए थे मैंने, और नान खटाई मंगवा ली थी। पाकिस्तान के हिसाब से तो अगर देखा जाए तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, तो ये कि चलें अब क्या करें, गुजारा तो करना है ना। तो मैंने ये 2 पैकेट्स नान खताई के, ये फैमिली पैक है, हाफ रोल नहीं है, ये फैमिली पैक है, तो मैंने ये मंगवा लिया था। और रस, इवन के रस भी यहाँ से नहीं मिलते, और अगर मिल भी जाए तो वो नमकीन होते हैं, और मैंने ये रस भी मंगवा लिए थे,
चाय के साथ, या कभी नहीं भी मूड होता तो चाय के साथ बंदा खा लेता है नाश्ते में, या बच्चों के लिए भी अच्छे होते हैं। तो एक पैकेट मैंने ये मंगवा लिया था। तो इसके बाद जो है मैं इब्राहिम को बाहर ले आई थी। तो ये देखें मौसम इतना अच्छा हो रहा है, इतना ज़बरदस्त, इतनी मज़े की ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इतना मज़े का मौसम है अभी। ये इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं, मतलब के यूँ समझेंगे नॉर्मल है, ना इतनी ठंड है ना इतनी गर्मी है, बस नॉर्मल सा मौसम है, बड़े मज़े का। तो मई तकरीबन स्टार्ट होने वाला है, तो फिर भी इतनी अच्छा, इतना अच्छा मौसम है यहाँ पे, अभी भी स्वेटर यूज़ हो रहे हैं। मगर खैर ये कि मज़े का मौसम है, अब बस रमज़ान है कि रमज़ान अच्छा गुजर जाएगा, रमज़ान में शायद गर्मी आ जाए मगर ये कि अच्छा गुजर जाएगा। तो बस अब इसको मैं ले आती हूँ, क्योंकि घर में कोई एक्टिविटी नहीं है बच्चे की, तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं। मैं भी चले, मैंने कहा चले वॉक ही सही, तो वॉक भी कर लेते हैं और बच्चा भी थोड़ा सा फ्रेश हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद।